गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको निवेदन करता हूं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सरोजनी नायडू द्वारा लिखित पोयम पालन क्वीन बियरर्स के बारे में। यह एक छोटी सी पोयम है पर बहुत ही दिलचस्प पोयम है, तो आइए शुरू करते हैं। लाइटली ओ लाइटली वी बियर हर एलोंग, लाइटली ओ लाइटली, धीरे धीरे वी अर्थात हम लोग अर्थात पालकी ले जाने वाले बियर लेकर के जाते हैं, हर मतलब उसे अर्थात पालकी को, एलांग मतलब अपने साथ। हम लोग पालकी को धीरे धीरे अपने साथ लेकर के जाते हैं। सी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द वाइंड ऑफ आवर सॉन्ग, स्वेज मतलब होता है हिलना। सी स्वेज लाइक अ फ्लावर, वह एक फूल के समान हिलती है। इन द वाइंड ऑफ आवर सॉन्ग, हमारे गीत के द्वारा उत्पन्न हवा में वह एक फूल के समान हिलती है। सी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ ए स्ट्रीम, स्किम्स फिसलती है, फोम का मतलब होता है झाग, ऑन ए स्ट्रीम मतलब धारा। वह नदी के धारा के झाग पर बैठी हुई चिड़िया के समान फिसलती हुई प्रतीत होती है या तैरती हुई प्रतीत होती है। सी फ्लोट्स लाइक ए लव फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम, सी फ्लोट्स लाइक ए लव, वह तैरती हुई प्रतीत होती है, लाइक अ लव फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम, जिस प्रकार से स्वप्न में होठों से हंसी निकलती है उसी प्रकार से वह तैरती हुई प्रतीत होती है। गैली ओ गैली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, गैली ओ गैली मतलब प्रसन्नता पूर्वक, वी ग्लाइड हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एंड वी सिंग और हम लोग गीत गाते हैं। वी बियर हर एलांग लाइक अ पियल ऑन ए स्ट्रिंग, वी बियर हर एलांग हम लोग उसको ऐसे लेकर के चलते हैं, लाइक अ पियल ऑन ए स्ट्रिंग, जैसे कि एक धागे में मोती को लटकाया गया हो, हम लोग उसको ऐसे लेकर के चलते हैं जैसे कि एक धागे में मोती को लटकाया गया हो। सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बियर हर एलांग, सॉफ्टली ओ सॉफ्टली, धीरे धीरे वी बियर हर एलांग, हम लोग उसको अपने साथ लेकर के चलते हैं, अर्थात हम लोग डोली को अपने साथ लेकर के चलते हैं। सी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, सी हैंग्स लाइक ए स्टार, वह एक तारे के समान लटकती हुई प्रतीत होती है। इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, जो हमारे गीत के द्वारा उत्पन्न ओस है, अर्थात वह हमारे गीत के द्वारा उत्पन्न ओस में एक तारे के समान लटकती हुई प्रतीत होती है। सी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड, सी स्प्रिंग्स, वह उछलती हुई प्रतीत होती है, लाइक ए बीम मतलब सूर्य के किरण के समान, ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड, ब्रो ऑफ द टाइड समुद्र की उठती हुई लहर, वह समुद्र की उठती हुई लहरों पर प्रकाश के किरण के समान उछलती हुई प्रतीत होती है। सी फॉल्स लाइक अ टीयर, वह आंसू के समान नीचे गिरती है, फ्रॉम द आईज ऑफ ए ब्राइड, दुल्हन की आंख से, वह दुल्हन की आंख से आंसू की तरह नीचे गिरती है। लाइटली ओ लाइटली, और कवित्री अंतिम लाइन में कहती है कि लाइटली ओ लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग गीत गाते हैं। वी बियर हर एलांग लाइक अ पियर ऑन ए स्ट्रिंग, और हम लोग उसको ऐसे लेकर के चलते हैं जिस प्रकार से धागे में मोती को लटकाया गया हो, अर्थात हम लोग उसको बहुत धीरे धीरे लेकर के आगे बढ़ते हैं।